75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करें, इस लोकतंत्र के इस मंदिर से, पुराने मंदिर से जाकर नए मंदिर हम जाएं, तो वहां पर सरकार की सोच बदले और पूरे देश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और दलित को न्याय मिले। उन्होंने वोट के भाव से धरना दिया और कहा बीपी सिंह जी से कि देश हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा मानव श्री काशीराम साहब ने देने का काम किया था। हिंदू हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, 27% के आरक्षण के बदौलत जो आज नौकरी और जो पा रहे हैं, जो आज नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं, ये किसी और की बदौलत नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27% के आरक्षण की बदौलत ये लोग जीत कर जा रहे हैं। गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, ये देश में समता मूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत एक तो भिखारी की वोट की कीमत भी एक करने का काम किया हो। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूँ किसी और ने तो शोषण करने का काम नहीं किया। तो देश के अंदर महिला अधिकारी बनने का भी काम करेगी, ये देश में महिला प्रधान बनेगी तो देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला बनेगी, ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था देने का काम किया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में 27% का आरक्षण इन पिछड़े समाज के लोगों को दिया है। मैं चाहता हूँ देश के अंदर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और पिछड़े समाज को आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था दी थी कि 27% चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, उनको हक अधिकार मिले। महोदय, आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने उस जमाने में अपने इस भारत देश में फैली कुरीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए जीवन के अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे। हमारे प्रदेश में तो एक कहावत भी है, जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने स्वयं छुआछूत, ऊंच नीच और उत्पीड़न को सहा, जिसलिए उनको जब संविधान सभा में मौका मिला तो पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए संविधान में उन्हें हक दिलाने का काम किया। महोदय, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की अंतिम सभा की बैठक में यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके मानने वाले लोगों की नियत साफ नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता। बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर 1950 में जब बाबा साहब संविधान को सौंप कर निकल रहे थे, उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हुआ करते थे, तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि अम्बेडकर तुम आज बहुत खुश हो। बोला हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने इस देश के अंदर पहले राजा के देव परिवार में ही राजा पैदा होता था, मैं इस देश के अंदर भिखारी के परिवार में भी राजा पैदा करने की व्यवस्था मैंने संविधान में लिखने का काम कर दिया है। देश में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब परिवार में भी राजा पैदा होने की व्यवस्था ये देश के अंदर मैं लागू करने का काम करता हूं। कृपलानी ने कहा कि आपका समाज तो गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, लाचार है, कमजोर है, हम उनका वोट पैसे के अभाव से लेने का काम करेंगे, हम आपके समाज का वोट उनको डरा कर लेने का काम करेंगे, उनका वोट हम खरीदने का भी काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी जी को एक बात कही, ये बात सही है आपकी कि मेरा समाज गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, शोषित है, अशिक्षित है, लाचार है, लेकिन एक बात याद रख कृपलानी जी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट की कीमत को समझ जाएगा तो तुम्हें भी लाचार बनाने का काम करेगा। और साथ ही जब आप उनका समाज ने वोट का महत्व समझा, अब वोट का महत्व समझने के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, इस देश में जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो, देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत एक तो भिखारी की वोट की कीमत भी एक करने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को जब चुनाव में गए तो उस वक्त में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी की हवा थी, उनका संदेश था पूरे देश में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे नेता को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध करके और उनके पीए कजलोलकर को चुनाव जिताकर बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। कितने दुख की बात है
कि जो आज परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब की बातें तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं किसी और ने तो शोषण करने का काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर साहब तो पहले चुनाव में हारे, बधाई देना चाहता हूं उस मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को जो बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे। खाली क्यों जुमा साहब चुनाव जीत कर आए थे, खाली क्यों जुमा साहब ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब को चुनाव जीता कर संविधान भेजने का लोकसभा में काम किया और बाबा साहब फिर उसके बाद यहाँ कानून मंत्री बने। लेकिन सरकार में रिमोट किसके हाथ में था, आज इधर के लोग बड़े रिमोट की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी रिमोट किसके हाथ में था, कानून मंत्री थे। बाबा साहब चाहते थे देश के अंदर कि अगर पुरुष को प्रधान देश माना जाता है, देश पुरुषों को और अधिकार हो तो महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार इस देश के अंदर मिलना चाहिए। ये बाबा साहब इस देश के अंदर हिंदू कोड भी लेकर आए और हिंदू कोड भी लाकर देश में उन्होंने व्यवस्था दी कि देश के अंदर महिला चपरासी बनेगी तो देश के अंदर महिला अधिकारी बनने का भी काम करेगी, ये देश में महिला प्रधान बनेगी तो देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला बनेगी, ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है उस वक्त की सरकार ने बाबा साहब को इतना परेशान करने का काम किया, उन्होंने अंत में आकर कानून मंत्री से इस्तीफा कांग्रेस को देने का काम किया, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, ये देश में बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया, 341 और 342 में SC ST को 15% 7.5% का आरक्षण देने की बात कही। 1952 में सरकार बनी, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए तो आरक्षण दिलाने की व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने पिछड़ों की बात कही तो कांग्रेस ने कमीशन काका कालेकर के नाम से कमीशन बनाने का काम कर दिया, आरक्षण देने की बात नहीं करी जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, काका कालेकर की कमीशन बनाने का काम कर दिया। उसके बाद मंडल कमीशन को बनाने का काम, लेकिन 1989 में देश में फिर लोकसभा का 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उसी 1989 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा 9वीं लोकसभा चुनकर आई। जब 9वीं लोकसभा में चुनकर आई उस वक्त में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पास 3 वोटों की कमी पड़ रही थी, 3 सांसदों की कमी थी। माननीय काशीराम साहब से बहन कुमारी मायावती से आदरणीय बीपी सिंह जी मिले, उन्होंने कहा कि आप हमें 3 वोटों का समर्थन दे दो, पत्र हमें दे दो, इस देश के प्रधानमंत्री पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो परम पूज्य बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने कहा ठीक है, बोले इसके बदले कोई मंत्री ले लो, मंत्री पद ले लो। बोले मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इस देश में मेरी 3 मांगे, अगर इस बात अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको समर्थन पत्र दे दूंगा। कि बड़ी खेद की बात है कि कांग्रेस के इतने लंबे समय से इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नाचने वालों को, गाने वालों को, खेलने वालों को तो भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसे भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं चाहता हूं मैं समर्थन आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। बीपी सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानता हूं। दूसरी हमारी मांग है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है, संविधान के तहत सबको बराबरी का हक है, ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए किसी भी धर्म को यह इजाजत नहीं कि दूसरे धर्म का शोषण ये देश के अंदर करने का काम कोई व्यक्ति करे। और तीसरी मांग माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में अभी तक लागू नहीं हुई, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संविधान में 27% का आरक्षण इन पिछड़े समाज के लोगों को दिया है, मैं चाहता हूं देश के अंदर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और पिछड़े समाज को आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था दी थी कि 27% चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो राजनीतिक में हो उनको हक अधिकार मिले। बीपी सिंह जी ने उस वक्त हाँ कर दी, प्रधानमंत्री बन गए, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित कर दिया। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो बीपी सिंह जी भी हिबा वाली करने लगे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। माननीय काशीराम साहब ने कहा अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करोगे तो मैं कोर्ट के हाउस में धरना दूंगा
उन्होंने वोट कर भाव से धरना दिया और कहा बीपी सिंह जी से कि देश हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा मानव श्री काशीराम साहब ने देने का काम किया था। और कहा था बीपी सिंह जी की सरकार में कि हम वोट से लेंगे पीएम और सीएम और आर से लेंगे एसपी डीएम, ये नारा दिया। और साथ ही बाद में मानव काशीराम साहब ने जब वोट कर भाव से 6 महीने तक धरना चलता रहा, कहने लगे अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। तो उस वक्त में फिर रात को 12 बजे देवीलाल जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते, उनसे मिले मानव काशीराम साहब कि आप चिंता ना करें, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मेरी वकालत करो, मैं आपको अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। वहां से मानव काशीराम साहब की तरफ को देखकर बोले तुम्हारे पास 3 तो सांसद हैं, तुम मुझे देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? बोले मैं ऐसे बना दूंगा कि मैं 52.5% खुद बैठा हूं और 54% की वकालत कर रहा हूं पिछड़ों को वोट का अधिकार, पिछड़ों का आरक्षण को लागू करने के लिए, तो 85% के लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब ये बात चली पता बीपी सिंह को, बीपी सिंह ने रात को 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और देश के अंदर 27% का आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। कांग्रेस चाहती इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, तो आज पिछड़े समाज के लोग तो बात करते हैं, अगर पिछड़े समाज के लोगों को 27% का आरक्षण, चाहे वो हिंदू हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, 27% के आरक्षण की बदौलत जो आज नौकरी और जो पा रहे हैं, जो आज नगर निगम नगर पालिका जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं, ये किसी और की बदौलत नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27% के आरक्षण की बदौलत ये लोग जीत कर जा रहे हैं। तो मैं जाते ना कहते मानवर आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हम लोग कि राजस्थान जहां एक दलित समाज का युवक मुंह से रखना तो रखता है उसकी हत्या कर दी जाती है, मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना घटित होती है, पूरे देश में दलितों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये देश में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की बढ़े तो आप दलितों के शोषण को रोकने का काम करो, दलितों को उनके बराबरी के अधिकार में लाओ और दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई के लड़ो, वो भी आपके अपने परिवार के हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करें, इस लोकतंत्र के इस मंदिर से पुराने मंदिर से जाकर नए मंदिर हम जाएं, तो वहां पर सरकार की सोच बदले और पूरे देश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हर दलित को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम रखना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।